Good afternoon, everyone. Welcome to Housing Live Video 2. My name is Hiren Mirani from housing.com. So I welcome you on behalf of whole housing family. And before we start the session, I would like to wish you a very happy Diwali and happy Dhanteras to everyone who is logged into the session. So before we start the sessions, I would like to brief you about the Mega Home Utsav. ये अपने आप में एक यूनिक इवेंट है जहाँ पे housing.com ये प्रयास करता है कि आपको सही चैनल पार्टनर्स ट्रस्टेड चैनल पार्टनर्स से कॉन्टैक्ट करा के आपको आपके सपनों का घर बाय करने में आपकी मदद कर सके। और इस बार ड्यू टू कोविड बहुत सारी दिक्कतें आई है जहाँ पे कस्टमर्स घर से बाहर नहीं निकल पाते, और housing.com ने एक ये इनिशिएटिव लिया है, नॉट ओनली आपको चैनल पार्टनर से कनेक्ट करवाते हैं बट आप घर बैठे बैठे आपकी प्रॉपर्टी लाइव ये सेशंस के थ्रू देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ चैनल पार्टनर जुड़े हुए विश्वात्मा प्रॉपर्टीज से मिस्टर नवीन। सो आई वेलकम यू मिस्टर नवीन टू द हाउसिंग लाइव वीडियो 2। थैंक यू सो मच हिरेन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम फॉर दिस सेशन एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद housing.com। यू गाइस आर रियली अमेजिंग विद ऑल द initiatives that you take to ensure, you know, the real estate opportunities for the prospective buyers are available. My name is Navin Duseja from Vishwatma Properties. We operate from Kalyan to entire Thane region. So we also cover Thane, entire KDMC and towards Badlapur and Titwala. Today we're going to talk about Kalyan West locality and one of the beautiful opportunity home buying opportunities that we have in Kalyan West. Before I go any further, a very warm and happy Dhanteras and Diwali to you, Hiren, and to your family, and on to all the viewers who are watching this particular webinar as of now. Thank you so much for this. तो मैं सर सबसे पहला एज अ बायर, राइट, मैं घर खरीदने निकलता हूँ तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सर लोकेशन, राइट। मैं प्रॉपर्टी तो बाद में चूज़ करता हूँ बट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लोकेशन। तो सर मैं अगर कल्याण ही क्यों चूज़ करूँ, क्या है ऐसा कल्याण में जो एंड यूज़र को मिलेगा या एज अ इन्वेस्टर को मिलेगा? सो इफ़ यू कैन शेयर योर इनसाइट दैट विल बी ग्रेट help to our customers who are looking to buy a home in Kalyan. Definitely, thank you. So, Kalyan क्यों choose करें? मेरा हमेशा ये रहता है कि Kalyan क्यों नहीं choose करें? क्योंकि जब आप एक घर खरीदते हो, तो आप एक सिर्फ घर की तरफ नहीं देखते हो, आप एक पूरा ecosystem search कर रहे हो। And it's always घर, आप चाहे कितना ही logically देखो, हमेशा एक emotional decision ही होता है, क्योंकि आप अपनी family का family के लिए वो घर देख रहे हो, and you try to ensure that हर एक family member के लिए उस locality में और उस जगह पे सब कुछ होना चाहिए। तो कल्याण सिटी उसका एक अपना ecosystem है। Okay, just to start with, let me highlight one thing. 47% of Kalyankars work in Kalyan. वो 47% लोग जो हैं, जो कल्याण में रहते हैं, वो कल्याण में ही काम करते हैं। तो वो एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है। उसके बाद जब मैंने इकोसिस्टम की बात किया, तो मेजरली तीन फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपके बच्चों की एजुकेशन, कमर्शियल एक्टिविटीज यानी आपके ऑफिस आने जाने का ट्रैवलिंग, और जो आसपास में कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, और उसके बाद जो है फैमिली एंटरटेनमेंट। ओके, पहले मैं बात करूं अगर स्कूल की, तो कल्याण में यू हैव राइट फ्रॉम एसएससी बोर्ड टू आईजीसीएसई बोर्ड स्कूल ऑप्शंस, मोर देन 20-25 स्कूल्स अवेलेबल इन द प्राइम कल्याण सिटी। मैं आजू बाजू की जो एरियाज हैं, लोकेलिटीज हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन प्राइम कल्याण लोकेलिटी अगर पूरे केडीएमसी की बात करी जाए तो मोर देन 100 स्कूल्स हैं। Okay. And all top notch from those five of Mumbai's top schools, top 10 schools are in Kalyan. Okay, to name a few, Cambridge International School is there, Vibhor is there, Podar International is there, the Sacred Heart School is there. So this is of schooling. And then we talk about higher education. Mumbai University ka subdivision abhi Kalyan mein last year hi shuru hua hai, and there are a lot of colleges for higher education also. Okay. In the entire KDMC region. So sorry to cut you. So you are saying that it's in one of the biggest education hub, right? It has top schools, top colleges, and also Mumbai University starting a sub branch over here.
So Correct. From education perspective, it's a fantastic place to stay in, right, for the family. No two ways about it. Absolutely. The next part is commercial. Commercial में जैसे मैंने आपको बताया 47% of the Kalyankars work in Kalyan, so you have ample commercial opportunities in Kalyan itself. Plus connectivity की अगर बात करी जाए, Kalyan is a major junction. All the long distance trains and all the local trains start from Kalyan, so you have easy traveling options. There is a metro line that is coming up, okay, which is under construction as we speak. There are 3 to 4 different routes that are developing towards Navi Mumbai. There is Airoli Kalyan freeway which is coming up. Okay. Then you towards your Mumbai side or Thane side. Okay. Six-way lane is getting developed. It is under construction as we speak. And within Kalyan itself, a 31 kilometer ka pura ring road circle ban raha hai right from Titwala to Kalyan. So for traveling, it is going to be the connectivity is amazing. Okay. So if I want to summarize it, it has all the education institutes. Second, connectivity is great. अगर मुझे सी एस टी जाना है जॉब के लिए तो ट्रेन्स आर अवेलेबल एट वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवल फ्रीक्वेंसी. सेकेंड, इफ आई वॉन्ट टू ट्रैवल आउटसाइड मुंबई और आउटसाइड कल्याण, तो इट इज अ जंक्शन फ्रॉम लॉट ऑफ ट्रेन्स स्टार्ट टू फ्रॉम द कल्याण. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट, एंड व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर डेवलपमेंट्स, एज यू सेड, लॉट ऑफ फ्रीवेज आर गेटिंग कनेक्टेड थ्रू एरोली. Metro line is coming up, and also you mentioned there's a ring road which is, I think, connecting to whole nearby localities, which is already being started, if I'm not wrong. Yeah. So from a end user's perspective, it has all the facilities which a user needs in day-to-day facilities, right? From an investment perspective, what is your insight or comment on it? If I'm an investor, will I be able to get good returns in Kalyan if I'm ready to invest in Kalyan? See, with the development that is happening, investment ka, chahe wo residential ho ya commercial ho, investment ka seedha relationship ek hi cheez hai ki wahan par commercial activities kitni ho rahi hai. Agar commercial activities ki baat ki jaye, to KDMC region mein ek MIDC area hai, which is in Dombivli East. That entire area is getting converted into BKC-like environment. MMRDA is doing that development work. Another part of KDMC, which is towards Bhiwandi, I don't need to say anything. It is the biggest logistic hub in India. In fact, in 2018, for which the work is on, government had announced 1,000 crore of investment for KDMC development as part of smart city and nearby development to create job opportunities towards the extension of MMR, because KDMC comes in Mumbai metropolitan region. So KDMC ke liye, sirf KDMC ke liye 1000 crores ka development project announced kiya tha 2018 mein government ne, which is underway, which is not like it was a file mein daba nahi hai, it's going on. All right. So it means the future over there is fantastic when it comes from the investment perspective also. Future development, IT park, MIDC, everything is there. And a lot of people, as you said, don't need to travel. 47% of the population have their jobs nearby in Kalyan itself. So that this says a lot about city when it comes to the whole ecosystem. Right. So before we move ahead, I would like to ask my viewers, if you have any questions, please feel free to write this questions in the chat box. We would be happy to answer the questions as we come in, right? So my next question, so before I move into to showcase the property which we are going to showcase in just after a few minutes. So can you share a bit more about the locality where this project is located, and what are the nearby amenities or the daily requirement thing, like general user jo hota hai, end user, uski zaruraton ka jo saman hai, hospitals hai. If we can share a bit more about the locality where the project is located, I think that would be a good useful information for the end user. Absolutely, Hiren, would love to do that, because the locality that we're going to talk about, it is not only just a locality, it is, I stay in that locality. I'm sorry. Okay. So
I know this locality inside out, and when I was searching for a home in Kalyan, I'll tell you as a buyer, I'm not going to tell you as a broker or as a channel partner or as a consultant. I'm going to tell you as a buyer, because jab maine is ghar mein yahan is locality mein 4 saal pehle ghar kharida tha, to maine kyun kharida? Number one, we're going to talk about Yogidham, which is one of the localities in Kalyan East. Okay, Yogidham jo hai Kalyan station se, actually in iska do connectivities hai, toward do stations se connectivity hai, Shahad and Kalyan station. Kalyan station se this is about 10 minutes from Kalyan, and okay, from Shahad station it is about 5-7 minutes walking distance, but it is in prime Kalyan. Kalyan ka ek major junction hai, which is called as Prem Auto Circle. Okay, Prem Auto Circle se it is just about 2 minutes. It's part of Prem Auto Circle, thoda sa extension mein hai. Okay, and it's on the same road as Kalyan station. So jab aap Yogidham se nikalte ho, to you don't need to take turn left right, seedha straight station aap pahunch jate ho. Okay, that's one. Murbad Road jisse bola jata hai. So that's okay, the connectivity part. When we talk about the ecosystem of the the locality, agar hum locality ke niche jaiye, aapko doctors, clinics, hospitals, schools, preschools, okay, kirane, supermarket, there are 3 supermarkets, right. There is a huge vegetable market there, and you don't need to walk even 50 meters for all these things. It is right there, and ye pura ecosystem jo ye pura locality develop kiya hai is by a developer which is renowned all over the country, Ajmera Realty. To name a few from that particular developer, you must have heard about Wadala mein Bhakti Park hai, Ajmera Island hai. That's the developer jisne ye pure locality ko develop kiya as a mini township, and is beautiful when you come there. So that's that's one of the reasons I decided to stay here, kyunki mujhe har suvidha har cheez mil rahi thi, and it is in prime Kalyan city. Travel jyada nahi hai station se. Okay, so sir, dusra ek sawal as a end user mere dimag mein aayega, ki is it safe agar main raat ko late aata hu to kya mujhe rickshaw ya fir auto buses as a end user mujhe mil jayegi अगर मैं स्टेशन से आता हूँ? एक बहुत कॉमन सा सवाल है, आई थिंक एक एंड यूजर के दिमाग में होगा, तो मैं सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। Oh, it is very important because my wife is in a banking sector, and she during the year ending, so she normally comes at like 12:30 हो ही जाता है closing के time पे जब वो लोग आते हैं. So I feel I am absolutely not worried about how she is going to travel, क्योंकि Kalyan station से sharing रिक्शा रात को 1 बजे भी मिलता है और सुबह 5 बजे भी मिलता है, चाहे आप योगीधाम से कल्याण जाना चाहो, कल्याण स्टेशन जाना चाहो, या कल्याण स्टेशन से. तो इवन माय वाइफ ट्रेवल्स, एंड ऑल दिस आई एम टेलिंग यू एज अ बायर, एज अ रेजिडेंट ऑफ योगीधाम, नॉट एज अ ब्रोकर. तो आई हैव अ लेडी इन माय हाउस हु इज ट्रैवलिंग, एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ. आई एम नेवर वरीड अबाउट कि यार वो कैसे आएगी, मैं खुद लेने जाऊं क्या नहीं. शी ट्रैवल्स ऑन नोर. ओके ओके सर. So moving ahead, I'll share my screen in some time. अब मैं सर प्रोजेक्ट की बात करता हूँ. इफ यू कैन शेयर सर थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, देन वी कैन शेयर द प्रॉपर्टी लाइव टू द व्यूअर्स, एंड देन वी कैन टेक द क्वेश्चंस लेटर ऑन, राइट? सो सर ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन से स्टेज पे है, कितने यूनिट्स है, क्या लैंड पार्सल है, अम्यूनिटीज क्या है, थोड़ा सा बताइए, देन वी कैन शेयर दी प्रॉपर्टीज. आई थिंक व्यूअर्स मस्ट बी वेटिंग अबाउट दी प्रॉपर्टीज, और आई थिंक प्राइजिंग को लेकर भी कुछ सवाल आएंगे, तो आई थिंक मैं प्राइजिंग आपसे सबसे लास्ट में पूछूंगा. और सर दिवाली का मौका है, मैं मुझे लग रहा है कुछ ऑफर्स तो आपके पास होने चाहिए. आई थिंक वो सवाल आएंगे, तो आप वो लास्ट में रिवील करना, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पूछूंगा आपको कि क्या क्या ऑफर्स है. तो सर आप प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि so that we can share the life property to the viewers. Okay, so Yogidham jo hai itself is a name of a project. Wahan jis area mein Yogidham bana tha, to wo Yogidham nahi tha, the area's name is Gauripada, par wo Yogidham puri wo project ka naam pura locality ka naam ho gaya. So it's a 22 acre ka land parcel. Ajmera started it about 15 years back. They've been constructing buildings. About 30 buildings have been constructed as of now. What we are going to, so this is about project. Okay, when we talk about very specific part of a project, currently the newest offering is Ajmera New Era, and another one which is Ajmera Bliss, part of New Era, which is an extension jo under construction mein hai. Okay, so we have two options. One is ready to move, also under construction. Okay. Okay. So
as far as amenities are concerned, every sector has a different set of amenities, and there is a common clubhouse, which is, I can tell you, one of the finest clubhouse in the entire Kalyan West region. Promise, it's nothing less than that. In fact, the developer spent last year, unhone 3 crore se zyada kharcha kiya to revamp the entire clubhouse. So you have a world-class amenities, swimming pool, huge size swimming pool. You have a wonderful gym. You have a children's play area. You have the tennis court. You have the cricket ka pitch wahan pe thoda bana hua hai. And then you have, sabse badi baat hai ki ek bahut hi badiya sa banquet hall hai jahan pe aap apne family ke functions वहां पे मैरिजेस भी करते हैं लोग एक्चुअली योगीधाम के जो है तो वहां पर ही क्लब हाउस में इमेजिन यू नो यू स्पेंड लाइक थाउजेंड्स ऑफ रुपीस एंड एट टाइम्स लाख्स ऑफ रुपीस टू बुक अ हॉल एंड यू गेट दैट एब्सोल्युटली फॉर नथिंग फॉर पेनीज बिकॉज इट इज योर ओन क्लब हाउस यू कैन यूज इट सो दीज आर फ्यू ऑफ द एमिनिटीज from the project and every project has a certain set of amenities which is you know a children play area and other thing in those buildings itself all the main amenities the bigger amenities which need more money to maintain are kept at a one place for everybody to chip in and so that you know quality maintain ho sake warna clubhouses ki aap halat dekhte ho band ho jata hai society maintain nahi kar pati hai right fantastic सर कितने टावर्स है ऑलरेडी आई मीन जो रेडी टू मूव इन है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है कितने टावर्स होंगे टोटल ओके करंटली जो रेडी टू मूव इन व्हिच इज मेजरली इन रीसेल ओके थ्री टावर अबाउट यू नो 30 टावर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है आपके बजट के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेंजिंग फ्रॉम 35 टू 50 और जो नया अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसके लिए विच इज जिसका ऑलरेडी प्लिंथ कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट फ्लोर पे एंड बुकिंग अभी तक चालू नहीं करी है टुडे इज द डे वी गोना एक्चुअली स्टार्ट द बुकिंग तो बुकिंग अभी तक चालू नहीं करी है पहला हम लोगों ने प्लिंथ और फर्स्ट स्लैब का काम चालू हो गया है ओके तो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन 1 एंड 2 BHK कॉन्फिगरेशंस ओके फैंटास्टिक So, sir, let's do one thing. Let me share the screen and share the property with our viewers. And accordingly, when questions come on, we can address the questions or accordingly, we can show the property live right now. So, I'll just share my screen. Right, sir. So, this is the entrance area, right, sir? Absolutely, yes, sir. ओके सो सर ये जो प्रॉपर्टी है कौन से फ्लोर पे लोकेटेड है दिस इज ऑन द 21st फ्लोर 21st फ्लोर ओके 21st फ्लोर पे है तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक द एंट्रेंस एरिया राइट यस दिस इज एंड इट्स अ ह्यूज स्पेशियस लॉबी ओके लॉबी बहुत बड़ी है बहुत स्पेशियस है ओके लेट्स हैव अ लुक एट द लिविंग रूम तो सर ये भी सवाल आएंगे सर कौन से फेसिंग के फ्लैट्स है आपके पास रोड फेसिंग है गार्डन फेसिंग है तो इफ यू कैन शेयर मोर अबाउट दैट सो यू द कस्टमर्स कैन गेट एन आइडिया कि सर ये वाला जो फ्लैट एक्चुअली हेलो बिल्डिंग्स की जो प्लेसिंग है और जो फ्लैट्स की प्लेसिंग इतनी सुंदरता से की गई है कि हर एक फ्लैट को जो है मेजरली ऑल द फ्लैट्स आइदर हैव कहीं ना कहीं से एक विंडो से आपको सिटी व्यू मिलता है और एक विंडो से आपको क्लब हाउस या गार्डन जो पोडियम गार्डन है वो उसका व्यू आपको मिलता ही मिलता है कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं जिनका सिटी व्यू है और अगर सिटी व्यू भी देखा जाए तो इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम आउटसाइड जो आपको इस पर्टिकुलर सैम्पल फ्लैट में भी देखने को मिल जाएगा ओके और सर ये लिविंग रूम का क्या साइज होगा This is 10x16. This is a 1 BHK apartment. 10x16 का इसका living room का size है और इसकी जो floor to ceiling की जो height है, that is 10.5 की height है. This is floor to ceiling बोल रहा हूँ. Okay. Oh, floor उसके बीच में कुछ ऐसे नहीं कि उसके बाद plaster and all ऐसे कुछ भी नहीं है. Okay. Sir, ज़्यादातर अभी मैंने देखा कि safety concerns बहुत है societies में. सो सर ऐसी कोई सेफ्टी फीचर्स हम लोग फ्लैट में दे रहे हैं या इंटरकॉम फैसिलिटीज या ऐसा कुछ है यहाँ पे
सो द एंटायर फ्लैट जो खास तौर पे जो लिविंग रूम पार्ट है इज डिजिटली कंट्रोल्ड. ओके, उसमें आपको यू कैन ऑपरेट द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स यूजिंग अ रिमोट कंट्रोल एज वेल एज देयर इज अ डिजिटल पैड अवेलेबल ऑन इन द फ्लैट इटसेल्फ. जहां तक सेफ्टी की बात की जाए तो देयर इज अ फायर प्रोविजन दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर. आप देखोगे कि वहां पे इफ यू कैन जस्ट गो अ लिटिल अप आपको उसी में दिख जाएगा इमेज में पूरे फायर होसेस जो हैं हर एक फ्लैट में हर एक कमरे में दिए गए. राइट राइट आई कैन सी दैट. राइट राइट ओके. एंड जहां तक बिल्डिंग में बात की जाए तो एवरी बिल्डिंग हैज अ सिक्योरिटी प्लस द मेन गेट हैज अबाउट 3-4 सिक्योरिटीज गार्ड्स 24/7. इंटरकॉम इज अ बेसिक, मतलब वो तो अजमेरा के किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाएं इट्स अ बेसिक थिंग. इट्स नॉट समथिंग वी कॉल इट एज एन एमिनिटी. आपको यहां से भी दिखेगा जो फायर होस लगा हुआ है इट इज इन एवरी फ्लैट एंड एवरी रूम. ओके 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 ठीक है सर. लेट्स मूव टू द पैसेज एरिया. सर ये कैसा इतना साइज होगा, आई मीन कितना यहाँ पे विड्थ होगा इसका पैसेज का? पैसेज का विड्थ होगा अप्रोक्सीमेटली 4 फीट के आसपास का. ओके, और ज्यादा ये एक्चुअली पैसेज है नहीं, आप यू नो वेस्टेज बहुत कम है बिकॉज पैसेज जो है नॉर्मली इज कंसीडर्ड एज अ वेस्टेज आइल स्पेस जिसको बोलते हैं. इट्स अ वेस्टेज ऑफ सॉर्ट्स. सो लिविंग रूम से आप जैसे ही जाते हो ये पैसेज जो है 4x2 से ज्यादा का नहीं होगा. ओके, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ पैसेज. आपको एक साइड किचन है, एक साइड बेडरूम है और एक साइड दूसरा टॉयलेट कॉमन टॉयलेट है. राइट राइट. सो लेट्स मूव सर टू द किचन एरिया. आई थिंक जो घर की लक्ष्मी होती है, राइट, जो हमारी मॉम होती है, दे स्पेंड मेजर टाइम इन द हाउस इन द किचन. राइट, तो किचन उनके लिए बहुत मैटर करता है. तो सर ये क्या साइज होगा इसका किचन का और क्या क्या इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? दिस इज 9x8 का किचन. यू हैव टू प्लेटफॉर्म्स मेड, यूटिलिटी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द कुकिंग प्लेटफॉर्म. और फिटिंग्स जो हैं, जो प्लम्बिंग फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, वो सब स्टैंडर्ड जैगुआर हैं. उसके ऊपर लॉफ्ट एरिया किचन में हम दे रहे हैं विच इज अ वेरी रेयर दीज डेज. वो ज्यादा तौर पे बिल्डर्स लॉफ्ट नहीं बना रहे हैं. किचन के साथ जुड़ा हुआ है आपका वॉशिंग स्पेस. यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो फॉर और यहाँ पर इनलेट आउटलेट और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑलरेडी दिया गया है फॉर योर वॉशिंग मशीन. ओके ओके ऑलराइट. आई कैन सी योर वेरी स्पेशियस किचन. राइट, और यहाँ पे सर आई थिंक ये यहाँ पे भी काफी स्पेस अवेलेबल है आई थिंक फॉर दैट इज फॉर रेफ्रिजरेटर. और दूसरी चीज है कि ये जो स्पेस बनाया गया है ना खास तौर पे दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल गेट ट्रिक्ड. आप यू नो छोटे किचन में भी ना काफी बार जो है ना यूटिलिटी स्पेस और आपको कुकिंग प्लेटफॉर्म मिलता ही है पर दोनों के बीच का जो स्पेस है ना वो बहुत कम रहता है. यानी आप दो लोग बैक टू बैक खड़े नहीं रह पाते. इसमें आप कंफर्टेबली बीच में जो है करीबन 4 फीट का गैप है दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में. तो दो लोग कंफर्टेबली खड़े भी रह सकते हैं और उनके बीच में इतना स्पेस आता है कि कोई अगर तीसरा आना जाना रहता है ना. वरना सर किचन में ना अगर किचन छोटा रहे ना तो मैं तो बहुत काफी बार डांट खानी पड़ती है कि अरे किचन में क्यों आए हो, जगह नहीं है, भाग जाओ. राइट, मैंने तो यहाँ पर वो चीज नहीं होगा. यहाँ पे मैं वो देख रहा हूँ सर, मैंने देखा है किचन भी एक ही प्लेटफॉर्म होता है और इतना स्पेशियस किचन मैंने भी नहीं देखा है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशियस किचन. आई थिंक वेंटिलेशन की भी मैं बात करूँ, आई थिंक यहाँ पे भी विंडो अवेलेबल है, लिविंग रूम में भी विंडो अवेलेबल है. तो जो सनलाइट है आई थिंक बहुत अच्छे से आती होगी आई थिंक ये वाले फ्लैट में. और वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है हर एक फ्लैट. ओके ओके फैंटास्टिक. हर एक फ्लैट में वेंटिलेशन का स्पेस और साथ ही और दूसरा लाइट सर्कुलेशन. ओके ओके दोनों में बहुत ही ज्यादा है. आप को दिन में कभी भी ट्यूबलाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको बता सकता हूँ ये पर्टिकुलर इमेजेस और ये वीडियो शूटिंग जो है मैं ऑडिबल प्रॉपरली. Yes, yes. Irene? Yeah, audible, audible. Okay. So, ये particular video shoot जो है, ये जो images है, this is evening 5:30. Okay, okay, okay. When the sun is almost going, so light है. आपको दिन में tube light जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. That's yeah, I can see that it is anyways looking very much brighter. A lot of light is there. Right. So let's move to the other part of the flat, which is a common bathroom.
सर इसका क्या ओवरऑल साइज होगा, क्या क्या इसके अंदर फिटिंग्स मिलेगी हमें? इसका 4.5 by 7.5 का है, और इसके पीछे जो आप ये दरवाजा देख रहे हो एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, 4.5 by 7.5 का है, काफी स्पेशियस है। यू हैव ऑल दी स्टैंडर्ड प्लम्बिंग फिटिंग्स हैं इसमें, ओके, एंड वर्ल्ड क्लास, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। टॉप सीलिंग टू फ्लोर जो है पूरी टाइलिंग करी गई है इसमें, ओके, एंड डोर्स जो है वो वाटर प्रूफ डोर्स हैं, तो आपके ऐसे भी नहीं है कि पानी से खराब हो जाएंगे, तो ऑल गुड क्वालिटी स्टफ। यू नो अजमेरा का जब नाम लिया जाए तो वहां पर क्वालिटी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होता, ऑलवेज क्वालिटी इज ऑलवेज ऑफ टॉप लेवल, राइट। सो लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द रूम व्हिच इज द बेडरूम, लेट्स मूव टू दैट। दिस इज द बेडरूम, राइट सर? सो दिखने में तो आई थिंक काफी स्पेशियस लग रहा है हमें, क्या कॉन्फिगरेशन होगा सर इसका? हेलो, ये 10 by 11 है माइनस प्लस दी नीश एरिया दैट इज देयर फॉर वार्डरोब्स, तो यानी अगर आपका नीश एरिया में वार्डरोब चले जाता है व्हिच इज 5 by 10 का एप्रोक्सीमेट, दीस द नीश एरिया इज एप्रोक्सीमेट व्हिच इज 5 by 2 का है, तो उसके बाद जो है एक परफेक्ट 10 by 11 का स्क्वायर आपको रूम मिल जाता है अपने लिए, एंड दिस इज विद अटैच्ड टॉयलेट, दिस इज द एक्चुअल स्पेस जो वार्डरोब का स्पेस है 5 by 2 का, हाँ, और उसके साथ ही आपको अटैच टॉयलेट भी है, सो इसमें दो टॉयलेट्स है, मास्टर बेडरूम वाला है ये वो। ओके 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 फैंटास्टिक सर। ये सर लेट्स मूव टू द बालकनी, सर बालकनी से व्यू कैसा दिखता है, लेट मी शो टू द व्यूअर्स। अब मुझसे मत पूछिए, आप बालकनी में जाइए आपको व्यू दिख जाएगा, नथिंग लेस देन माथेरान, इट्स रिवर साइड प्रोजेक्ट, आसपास में पूरी ग्रीनरी है, कंस्ट्रक्शन इतनी टॉवर्स की हो ही नहीं सकती है, और ये दिस इज द व्यू, दिस इज द व्यू, राइट राइट राइट, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, या आई कैन सी दैट इट इज अ फैंटास्टिक व्यू, ओपन स्काई, आप आई थिंक रेनी सीजन वगैरह में आप बैठ के अगर चाय पकौड़े भी खाना है तो इट वुड बी फीलिंग कंप्लीटली अ डिफरेंट वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इफ यू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर एंगल राइट नाउ, ओके, आई वुड लाइक टू हाईलाइट जो आपके सामने बिल्डिंग्स दिख रही हैं उसके आसपास की जो पूरी ग्रीनरी है ना, योगीधाम का एक बड़ा हाईलाइट था जो मैं बताना पहले भूल गया, आई जस्ट टेक अनदर मिनट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जो कल्याण का स्मार्ट सिटी का जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चालू हैं, फ्रॉम विच देयर आर अबाउट 20 प्रोजेक्ट्स इन कल्याण डोंबिवली व्हिच आर अंडरटेकन इन दिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, वन ऑफ देम इज द टाउन पार्क, एनी व्यूअर्स कैन ओपनली गूगल इट ऑल्सो, जस्ट पुट कल्याण टाउन पार्क, दैट टाउन पार्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट टाउन पार्क इन कल्याण, 35 acres के बन रहा है, जिसमें ओपन बिजनेस एग्जीबिशन सेंटर है, स्पोर्ट्स क्लब है, यू नो ओपन रेस्टोरेंट वहां पे रहने वाला है, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एंड टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट लोकेलिटी, टूरिस्ट यहाँ पर जो है वहां पर वाटर एंड लाइट शो जो विच इज अ वेरी रेयर, महाराष्ट्र में आई थिंक एक दो जगह पर ही है वाटर एंड लाइट शो, वो यहाँ पर आने वाला है, एंड वो योगीधाम का हिस्सा होने वाला है, यानी आपके घर से 2 minute वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये सब मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली, एंड ऑल दिस इज, मैं प्रपोज कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, इनका सबका काम चालू है, द वर्क इज अंडर गोइंग एज वी स्पीक, एनी ऑफ द व्यूअर्स कैन कम एंड सी इट फॉर देमसेल्व्स, ओके, तो ये आप, ये जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है ना इस लोकैलिटी की, और ये पर्टिकुलर विंडो से आपको डायरेक्टली उन सबका व्यू देखने मिलेगा, फैंटास्टिक, आई कैन इमेजिन इट्स अ फैंटास्टिक व्यू, एंड इट वुड बी अ फैंटास्टिक प्लेस टू लिव इन। सर चलते हैं थोड़ा नीचे, देखते हैं कि सोसाइटीज में कैसा व्यू रहता है, आई थिंक इट विल गिव अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ लुक एंट्रेंस, दिस इज अ लॉबी एरिया, राइट सर? करेक्ट करेक्ट, दिस इज द गार्डन एरिया, ओके, इसी कैसा है ना कि जब आप घर खरीदते हो ना हीरे, तो ऑब्वियसली व्हेन यू बाय इट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, right. But then it's an achievement, a feat which not a lot of people are able to achieve in their lifetime, especially in Mumbai. Right, okay. Sir, Mumbai में घर खरीदने का एक वो एक dream ही होता है सबका, कि जो आता है बॉम्बे वो घर खरीदना चाहता है।
एक इमोशन इमोशन जुड़ा होता है राइट। और जब आप इस मोमेंट पे आते हो और जब आप इस लोकैलिटी में आते हो, जब इस तरह का माहौल देखते हो, आप जब अपने रिलेटिव्स को बुलाते हो, आपके फ्रेंड्स आते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार बुलाऊं कि नहीं बताऊं, मैं पता नहीं कहां, मेरी बिल्डिंग कैसी है, क्या है। यू फील प्राउड इनवाइटिंग पीपल टू योर होम। इट्स एन अचीवमेंट। इट मतलब मॉरली ये आपको बूस्ट करता है कि यार दिस इज समथिंग दैट आई हैव अचीव्ड एंड आई नीड टू डू बेटर। मतलब बूस्ट यू टू डू बेटर इन योर लाइफ। आप अपने बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में खेलते हुए देखोगे, कौन बाप कौन माँ खुश नहीं होगी राइट ऐसे एनवायरनमेंट देने के लिए अपने बच्चों को। राइट, लेट्स मूव टू द प्लेइंग एरिया। आई थिंक वेयर इन द प्लेइंग एरिया, आई एम सॉरी, गार्डन एरिया एंड प्लेइंग एरिया इज कमिंग। या दिस इज द प्लेइंग एरिया, सॉरी, व्हिच इज जस्ट सो दिस इज द कॉमन प्लेइंग एरिया, राइट? यस। ओके, यू कैन टेक अ स्ट्रोल, दिस इज अ कार फ्री जोन। ओके, the entire playing area is covered by a boundary which is an entirely car free vehicle free zone. Okay, so aap wahan pe freely ghum sakte ho. Your parents can sit, jo gazebo bana hua tha in the previous image. Okay, wahan par aapke parents baith sakte hain and you know you can sit and then just enjoy the life. Right. Let's share the building view. बिल्डिंग कैसा दिखता है बाहर से? दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट? करेक्ट करेक्ट। 21 फ्लोर विथ ऑल द अमेनिटीज सर। और हर फ्लोर पे कितने फ्लैट्स होंगे? 6 फ्लैट्स। ओके, 6 फ्लैट्स होंगे और एंट्री लिफ्ट्स। 3 लिफ्ट। और सर अभी हमारे पास कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है? 1 and 2 BHK. Kalyan is predominantly in a 1 and 2 BHK market. So 1 and 2 BHK. 1 and 2 BHK. Right. So this is how building will look like when someone visits, right? Okay. Absolutely. Okay. Sir, dusra ek sawal aayega, I think, sir, parking ke baare mein, if you can share more insights about the parking, how it works in this society. There's ample parking, so there's tilt parking from in this particular angle. You can see we're at the podium level as of now, okay. And there's a basement level also, which is specifically for parking, okay. So, niche jo hai parking space bahut hai. Okay. Parking ka problem nahi hoga. You can always buy the parking if you want, but even if you don't have it, agar aapki two wheelers hain ya aise, to bahut sari jagah hai. Okay. तो ओपन पार्किंग अवेलेबल है और कवर पार्किंग भी अवेलेबल है। ओपन पार्किंग है बट सोसाइटीज आर यू नो, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में नॉर्मली सोसाइटीज थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। ओके, तो सोसाइटीज आर ऑलरेडी फॉर्मड इन दिस, सो सोसाइटी करंटली इज नॉट अलाउइंग एनी व्हीकल विदाउट द पार्किंग। सो इफ यू वांट टू पार्क योर फोर व्हीलर, यू नीड टू हैव पार्किंग, रिजर्व पार्किंग। ओके ओके ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू ओवरऑल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द apartment so that it would help the customers to get a view before they would want to visit. They can call you. So by the time we are sharing this apartment, I would request all the customers who wants to ask any question, please feel free to ask the questions in the chat box. I would address this question to Mr. Naveen. So this is how kitchen will look like, right? So it's a very spacious 1 BHK, if I can see it properly. It's a very spacious 1 BHK, right? With ample of sunlight coming in the house, a fantastic view from the balcony, right? And, and a very a society which has all the safety features along with the playing area, a community hall, clubhouse. So it in all, it's a lifestyle, right? A lifestyle which every end user wants at the end of the day. When he comes back to home, he can have a fantastic lifestyle where he stays, right? Exactly. Okay, okay. So sir, pricing ke baare mein puchunga main aapko. और कोई इनसाइट सर ये सोसाइटीज के बारे में कि ये कल्याण के में डिफरेंट क्यों है? ऐसी कोई यूएसपी जो ये प्रोजेक्ट को डिफरेंशिएट करती है?
इस प्रोजेक्ट को आप मतलब डिफरेंशिएट का तो मैं नहीं जाऊंगा उस एंगल में, आई जस्ट पुट इट इन सिंपल वे. अगर आपको एक घर चाहिए जहां पर एक प्रॉपर हर सुविधा आपको मिले, एक अच्छा स्पेशियस घर, इस कॉम्प्लेक्स में हर एक फ्लैट जो है बहुत स्पेशियस है, कंजूसी नहीं करिए जगह देने में. वी हैव इंश्योर, डेवलपर ने इंश्योर किया है कि फ्लैट स्पेशियस बने. अफोर्डेबिलिटी इज द की हियर. ओके, कल्याण में आपको बड़े बड़े स्पेशियस फ्लैट और अच्छे इस तरह के एनवायरमेंट में भी रेट थोड़े से ज्यादा है. यहाँ पर बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी हुई है. ओके, और साथ ही साथ एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करके आपको दिया गया है. जैसे नहीं कि आप एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग लोकैलिटी में नहीं हो, आप डेवलप्ड लोकैलिटी में. राइट, फैंटास्टिक सर. एक और सवाल, आई थिंक एज अ कस्टमर में जाना चाहिए, लोडिंग कितनी होती है? आई मीन अगर मैं ये 1 BHK की बात कर रहा हूँ, कितनी लोडिंग है? जनरली ये देखा गया है कि जब से रेरा आया है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन है उसमें जो लोडिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है. इफ यू कैन शेयर दैट ऑल्सो, दैट वुड बी ग्रेट. देखिए, मैं जनरली लोडिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, क्योंकि लोडिंग जो है वो हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशन है. मैं आपको कारपेट बता देता हूँ, एंड दिस इज ऑल प्योर कारपेट. 439, 643 है. 439 का 1 BHK है, 643 का कारपेट है. दिस इज रेरा कारपेट, इसमें बालकनी भी इंक्लूडेड. ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर. एक तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब 10x16 का लिविंग रूम जो है. मैं आपको बता रहा हूँ, कल्याण में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 2 BHK में 10x13.5 का लिविंग रूम दे रहे हैं. 9x9 मतलब उतना तो ऑलमोस्ट बेडरूम हो गया. राइट. सर एक और सवाल एज अ कस्टमर मेरे मन में आता है कि सर मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे? आई मीन इफ इतनी सारी अमेनिटीज मिल रही है, इतना अच्छा व्यू मिल रहा है, तो मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे? आई थिंक ये बहुत कॉमन सवाल आता है. 1 BHK का मेंटेनेंस इज अप्रोक्सीमेटली 2600 to 2800. एंड 2 BHK का जो है मेंटेनेंस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 के आसपास है, समवेयर अराउंड 3.5. आई मीन इट्स वेरी, आई वुड से एन वेरी competitive or very reasonable price when it comes to the maintenance, right? Very nominal, right. Considering कि आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं in the amenities, और एक 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 facility जब को maintain करने के लिए जितना खर्चा है, और वो it's not something कि वो कोई developer ले रहा है या मैंने, sir आप जो residents हैं उन्होंने ही decide किया है और वही pay कर रहे हैं. Right, fantastic. Sir, anything else you would like to share in terms of this project or the flat, which I think जो user को जानना बहुत जरूरी है. क्या आपके पास और options available है? अगर user आपके पास आते हैं, जो buyers है, जो लेना चाहते हैं, वो आपके पास आते हैं, तो can you help them out with the other options available in the society, right? So currently we have a lot of options available, even under construction and ready to move. As per your financial situation, you can take a call on how you want it. Payment schemes bhi available hain. Okay, so and all of them, you know, jitne bhi Yogidham is a newly developed area. Okay, to sare fresh properties hain, zyada purani koi bhi property nahi hai. So, you know, you get a sense of freshness in every single property that you buy. And depending upon your financial situation, if you are in a financial situation where you can make a payment in break parts and you're okay with waiting for 2 years or 2.5 years, we have a project for that also. And if you want to move in readily, aapka loan ho jayega and you have the funds available, aap ready to move maybe. Ja sakte hain. So as per your financial situation, under construction, which is our newest offering, Bliss, which is the extension of this particular locality, this particular township. Okay, ek aur tower hum la rahe hain, under construction hai, which is 1 BHK, 439 ka carpet hai, 2 BHK, 643 ka carpet hai. This is all Rera carpet. 1 BHK is priced at 47 lakhs all inclusive. Okay. And 2 BHK is priced at 67 lakhs all inclusive. Okay. It's very competitive. Right. So, ek last aakhri do sawal before I summarize the session for our viewers. Ek aur
एक सवाल आता है, क्या इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल सकता है? प्रधानमंत्री आवास योजना is applicable only till March 31st. If it gets further extended, then it's a different story. But as of now, it is applicable not only for this property, for anywhere you buy, March 31st is the last date. Okay, okay. और एक और आखिरी सवाल सर, I'm sure loans तो मिल जाएगा, right? Any specific banks जिसके साथ ये tie-ups हुआ है, और if customer needs any help from you, will you be able to guide it? If you can share more about it. More than happy. We have a tie-up with all the banks that are known, all the nationalized as well as private banks. Okay. So loan, unless you're, you know, aapki eligibility ke hisab se loan aapko kisi bhi bank mein, aap jis bank mein bolenge, us bank mein ho jayega. Okay. So fantastic. So if I want to summarize about the whole session, agar main Kalyan ki baat karu, it is a fantastic place to live in. Har suvidha uplabdh hai, from colleges to hospitals. Connectivity ki baat karu main, local train available hai. Agar out of town jana hai, to it is the junction jahan se train start hoti hai, right? Apart from main agar main investment perspective se baat kar raha hun, to it has a lot of developments. Agar main future developments ki baat kar raha hun, jo Katai tunnel ban raha hai, jo already start ho chuka hai, Airoli se jo connectivity ban rahi hai, और आपने जैसे बताया रिंग रोड जो नेबरिंग कल्याण लोकेलिटीज़ को वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी आइडियल लोकेशन फॉर एनी एंड यूजर हु वांट्स टू लिव इन अ प्लेस विच इज पॉल्यूशन फ्री, हैज़ ऑल दी अम्यूनिटीज विच इज़ रिक्वायर्ड इन द डेली लाइफ, राइट. सेकेंड ये बोलना चाहूँगा, प्रोजेक्ट की बात करूँ, इट इज़ वन ऑफ द रेनाउंड डेवलपर्स जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती है, राइट. इसमें हर सेगमेंट अवेलेबल है. अगर मैं 1 BHK और 2 BHK की बात करूं, वो सेगमेंट्स अवेलेबल है. अगर स्पेशली ये फ्लैट की बात करूं, तो इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्लैट रेडी टू मूव इन है. जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ है, यही ट्रेंड देखा गया है कि पीपल आर स्टार्टेड परचेसिंग हाउस बिकॉज दे रियलाइज कि हाउस रहना बहुत ज़रूरी है, रेंटल पे रहना बहुत दिक्कत हो जाती है. तो इट इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरी कस्टमर टू बाय इन. और प्लस मेगा होम सब चल रहा है, दिवाली फेस्टिवल है, लॉट ऑफ ऑफर्स आर गोइंग ऑन. सो इट इज़ अ आइडियल टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इन मुंबई एज लॉट ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय आवर चैनल पार्टनर्स. तो 1 BHK 439 कार्पेट एरिया. सर लास्ट सवाल कंक्लूड करना चाहूँगा मैं, जैसे मैं चाहता हूँ सर, दिवाली है, मैं दिवाली में सर कुछ तो मेरा बेनिफिट होना चाहिए, कुछ ऑफर्स है, तो आई थिंक इफ यू कैन शेयर विद अस, आई थिंक देन वी कैन कंक्लूड द सेशन. ओके, फॉर आवर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इफ यू आर बुकिंग अ फ्लैट बिटवीन टुडे एंड दिवाली, ओके, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ 10 ग्राम गोल्ड कॉइन. यू कैन बुक अ फ्लैट विद 51,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट, ओके, और 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन आपको हमारी तरफ से दिवाली का एक शुभकामना है उस हिसाब से. All right, fantastic. So, अगर मैं ओवरऑल कुल मिला के बात करूँ, एज अ बायर आप, इट्स अ फैंटास्टिक टाइम, ऑफर अच्छे हैं, रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है, और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वी हैव राइट पीपल विथ अस हु कैन गाइड यू थ्रू आपके पूरे बाइंग प्रोसेस में. आप जब घर खरीदना जाते हो, आपको घर देखने से लेकर फाइनेंसिंग करने तक आपकी सब तरह से आपको गाइड करेंगे, और आपको एक अपने सपनों का घर दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे. दैट्स ऑल वी स्ट्राइव फॉर. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच नवीन फॉर जॉइनिंग इन. सो बिफोर आई एंड अप, आई विल शेयर माय स्क्रीन. आप मिस्टर नवीन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूँगा. आप, इट इज़ अ फैंटास्टिक टाइम, सैटरडे संडे है, आप प्लान कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए, आप विजिट प्लान कीजिए अपने फैमिली के साथ, एंड इट्स बहुत सारे ऑफर्स होंगे. आई थिंक उन्होंने अभी एक ही ऑफर रिवील किया है. आई एम श्योर लॉट ऑफ ऑफर्स मस्ट बी हैविंग इट. तो यस यस नवीन. ओह यस, आई मीन गोल्ड कॉइन इज द हाईलाइट. जब आप आते हो तो देयर आर अदर फाइनेंसिंग ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल.
And for our ready to move also, the pricing is very attractive. 49 lakhs से हम लोग start कर रहे हैं उसका जो ready to move का option है. ये जो आपको apartment दिखाया था 49 lakhs rupees core price है. And आप एक बार flat आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि what you are getting and what price. Trust me on this one. Right, fantastic. So that's it from my side. Thank you so much, Naveen, for joining in and sharing a lot of insights about the locality and the project. I'm sure it is very helpful for the buyers who have want to buy the property in Kalyan and associate with you. So I'm sharing my screen. It's always a pleasure. Thank you so much for joining in. And once again, very happy Diwali to you, Naveen, and all our viewers who have joined us and have chosen us to be a part of this live video tour in the journey of buying their own dream home. So thank you once again. I'm sharing my screen right now.